से। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू का मामला है। क्यूरेटिव अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तैयब बलोच से मजीद तफसीला जानते हैं। तैयब, ये कहिएगा कब तक ये फैसला सुना दिया जाएगा, कुछ मालूम हो सका? जी, ये वक्त तो मालूम नहीं हो सका था। आज जो है वो चीफ जस्टिस ने इन चैम्बर समाज की वफाकी हुकूमत और फेडरेशन की जानिब से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वादे तौर पर कहा कि ये जो क्यूरेटिव अपील है ये साबिक हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। तमाम मौजूदा जो हुकूमत है उसने अब इसको वापस लेने का फैसला किया और इस वाल से कबीना ने भी मंजूरी दे दी है। तो अब ये मामला जो है वो खत्म कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने जो है वो सेर हासिल दलैल अटॉर्नी जनरल के सुने और उसके बाद फैसला जो है वो महफूज कर दिया है। तो फैसला अब से कुछ देर में ही जो है वो मुतवक्के है सुनाया जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से जब इस सवाल हुई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये चैम्बर समाज थी और मीडिया अलाउड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैंने अदालत को मुतमिन किया है, यानी कि चीफ जस्टिस को मुतमिन किया है। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि चीफ जस्टिस थोड़ी देर में आज ही फैसला जो है वो सुना देंगे। ठीक है, ये तो फैसला महफूज कर लिया गया है, अब से कुछ देर में मुमकिन तौर पे ये फैसला सुना दिया जाएगा। शुक्रिया आपका तैयब बलोच। और चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में